पावन अपनी हाथी से कृष्णाय वास्तवाय हरिये परमात्मने प्रे न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों आओ अपने मन को एकाग्र करें और जोड़ दे भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में। आप कुछ लेके जाओ मेरे देवियों, इतना आप त्याग करके आए गए, कुर्बानी करके आए गए, जरूर मेरे भगवान का थोड़ा सा ज्ञान अपने अंतःकरण में रख के जाइए। बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम इन दिनों श्रवण कर रहे गए ये पुरुषोत्तम योग श्री गीता जी का 15वां अध्याय। प्रसंग जारी था जो कल संपूर्ण हो गया, वो ईश्वर यानी जीवात्मा एक तन में दाखल और एक से जुदा, साथ अपने ले जाए मन और हवास, हवा जैसे ले जाए फूलों की बस। जीव का शरीर छोड़ने के बाद क्या होता, ये भगवान जी ने हम सब की जिज्ञासा की पूर्ति की। शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है, जितना मुझसे बन पड़ा, बहुत विस्तार से तो नहीं, फिर भी आपका घर पूरा करने की चेष्टा जरूर की गई और आपके कई प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया, शंका का समाधान मेरे प्रभु ने कर दिया। आप तो पुरुषार्थ कीजिए कि मैंने इतना जुट जाना है जो मैं फिर जन्म मरण के चक्कर में ना हूं, ये आपके वश की बात है। मैं रजोगुणी को नहीं कह रहा, तमोगुणी से संबोधित नहीं हूं, मैं सतोगुणी से संबोधित हूं और उन्हीं को आदर मान से समझा रहा हूं। कोई इस बात की गहराई में चले, ले इस बात को, ले इस बात को और अपनाने की चेष्टा करे। ये पक्का राजा करे कि मैंने जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना, कुछ भी कौन हो जाए मैंने इस चक्कर से छूट जाना। तो मन उसी तरह चेष्टा करता है जैसे हमने गंभीरता पूर्वक चिंतन किया होता है। मेरे मालिक आपकी सहायता करेंगे, जिन्होंने इतना किया है जरूर वो आगे भी आपका समा बनाएंगे। कभी कभी कह के प्रणाम कर लिया करो भगवान को, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। ओ श्याम सुंदर मेरी नैया उस पार लगा दिन, अब तक तो उन्होंने बड़ा निभाया आपका, आगे भी वो आपको शक्ति देंगे और आप अपना बेड़ा पार पाएंगे। नारे श्लोक में भगवान जी ने उन कम वक्तों का जिक्र किया है जो बार मुखी है। बार मुखता का मतलब है अपनी खुशी अपनी शांति को प्राणी पदार्थों से लेना चाहते हैं, उनकी बुद्धि इतनी खराब हो चुकी है कि वो भगवान को नहीं समझते, आंखें उनकी बात कान उनके बात अच्छा, खाना पीना उनका बहुत ही अशुभ, पैरों द्वारा वो गंदे स्थानों पे जाती हैं, बोलते बड़ा गंदा है, हर समय संसार का चिंतन करते रहती हैं, अपने लिए नाना प्रकार के दुखों के सामान पैदा कर लेती हैं। तो भगवान जी इशारा कर रही हैं, वो यूं ही बारी रूप में अपना लुत्फ लेते हैं और इसका परिणाम नहीं जानते, बड़ी दुख की बात है। परिणाम में वो दुख भी पाते हैं फिर भी शिक्षा नहीं देते, इतना दुख पाते हैं वो। देख लीजिए दूर न जा अपने दादा दादी को देखिए,
फिर पिताजी माताजी को देखिए, फिर आगे उनकी औलाद, फिर उसी गंदे रास्ते पर। ये तो बड़े अच्छे दिन आ जाए, कोई पिछले जन्म के बड़े पुण्य किए हुए आ जाए तो जी पूर्ण प्रेम भगवान की ओर बाढ़ निकलता है, वरना कहां। इसी गंदगी में लगे रहेंगे, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, दुख पाते रहेंगे, जलील होते रहेंगे। आप में इंकलाब आता जा रहा है, आप में एक शानदार एवं आदर्श परिवर्तन आ रहा है। ये मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा। घोर कलयुग के अंदर आप मृत व्यक्ति नहीं है, वनवासी नहीं है, आप नगरवासी हैं, गृहस्थी हैं, जिम्मेवारियों में हैं, फिर भी देख लो कितना बड़ा पुण्य किया है जो भगवान जी आपको अपने चूटी का ज्ञान दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। न केवल आपको श्रवण करने के शौक है, बल्कि अपनाने के शौक भी इस 96 में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये मैं उनकी मेहर न कहूं तो क्या कहूं, कृपा न कहूं तो मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द भी तो नहीं। बड़ी दया उस दया निधान की, बड़ी कृपा उस कृपा निधान की, कृपालु की बड़ी कृपा है। हमारे हिंदू धर्म तो कृपा मानता भी था जब हमारी मन बुद्धि भगवान की ओर लगे, ना कि जिसके घर में दूध पुत्र हो उसको कृपा। ये भोले भाले बुजुर्ग लोग कहा करती हैं, तेरे घर में बड़ी कृपा है, तेरे घर में दूध पुत्र है, गलत। भगवान कहते कृपा उस पे माननी चाहिए जिसकी बुद्धि में ज्ञान हो, मन में भगवान के विचार हो और कर्म क्या शुभ कर्म होते जाए, तो समझिए भगवान की फल कृपा। इतना कहता हूं मैं, आगे चलूंगा। बार मुख्ता की बात को क्यों वक्त जाय करें, वो हमारी कहानी खत्म हो चुकी है। दैट वॉज एन ओल्ड ओल्ड स्टोरी। आप गड़े मुर्दे हम नहीं उखेड़ते, बार मुख्ता पर विस्तार नहीं करना चाहिए, वो हमारे साथ बीत चुकी है, हम सबके साथ बीती है। मन टूट गया, घबरा गया और अब मन भगवान जी का प्यारा बनने लगा। इसलिए मैं सबसे क्षमा चाहूंगा, मैं इस श्लोक पर ज्यादा विस्तार करके आपके मन को दुखाना नहीं चाहता। ये सिर्फ भगवान ने इशारा किया है कि जो नेक वक्त होती है वो अंतर्मुखी हो जाती है, विवेक में, वैराग में, भक्ति में, और जो कम वक्त होती है जिनका फ्यूचर बड़ा गंदा है वो लग जाते हैं कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, यानी जर में, जन में और जमीन में। इन्हीं में लग के अपने अनमोल दिन बर्बाद कर लेती है, भविष्य को बड़ा खराब कर लेती है। ये हम सब पर बीत चुकी है, कई जन्मों में हम इसी तरह धक्के खाते रहे, अपने आप को बर्बाद करते रहे, खराब करते रहे। चलो मैं आगे 10वें श्लोक की ओर जा रहा हूं। उत्क्रमांतं स्थितं वायापि पुंजानां वा गुण अन्विताम विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। हरिओम हरिओम तत् हरिओम तत् सत्। सोनी सरकार क्या कह रही है, एकाग्र हो जाओ मेरे देवियों, मेरे सजनों। मुसाफिर जो आया, जो आकर गया, जो लुत्फ इन गुणों का उठा कर गया, नहीं इसको गुमराह पहचानते है एले बसीरत फकत जान। मेरे प्रभु ने इसमें दो बातें बता दी, ज्ञानी की और अज्ञानी की। ज्ञानी आदमी जैसे आपके जैसे विचारवान, जिन्हें अपने बारे में और संसार के बारे में भरी प्रकार पता लग चुका है और अभ्यास करते करते संसार से उपराम होकर रहती हैं, बिल्कुल निराले बन के रहती हैं। अब आप परिवार के अंदर हैं, परिवार में रहेंगे, परिवार की जिम्मेवारियां पूरी करते जा रही हैं, लेकिन ज्ञान मिल जाने के साथ साथ आप अपने परलोक को ही बनाई जा रहे हैं। और परलोक बनाने वाला तन नहीं होता, परलोक बनाने वाला मन होता है। तन द्वारा हम इस घर अपने दुनिया के फराइज पूरे कर लेती हैं, लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमारे संसार में हमारे कंधों पर डाली गई है वो हम तन द्वारा पूरी करते हैं, मन द्वारा अपना परलोक बनाती हैं। यादव भगवान ने सार रूप में हमें उपदेश दिया है, तन काम में मन रहे ध्यान।
महाराज जी ने बता दिया तरीका, और अनेक मेरी माता बेटियां बुजुर्ग और मेरे भाई चमक रहे हैं मेरी मेरी आंखों के सामने, जो इस तरह अपने जीवन को गुजारने की चेष्टा में काफी कामयाबी होते जा रहे हो। भगवान और आपको ताकत देंगे। शारीरिक रूप से हम अपने फर्ज पूरे कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मन का ताल्लुक है भगवान जी के साथ, अगर ये पता लगे तो मेरे जैसों को सिर खाया करो, बार बार मुझसे इंक्वायरी करो ये कैसी होता है फिजिकली इन द वर्ल्ड एंड मेंटली विद ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा जी, ये कैसी होता, दोनों बना लिए, दोनों बन जाते हैं इस तरीके से लोक और परलोक। जी मेरी देवी मेरे सज्जनों, ये तो बहुत अच्छा तरीका हुआ। हाँ हाँ, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार खेलना, एक तीर से दो शिकार। हाँ, इसी शरीर और मन से अपने लोक परलोक मनाए जाना। भगवान ऐसों को बहुत दना कहते हैं, बहुत ही दना है। जो लोक परलोक बना ले, और करोड़ों में कोई कोई होती है जो लोक परलोक बनाए, वरना आम तौर पर बाकी बाई रूप में क्या है, लोक ही नहीं बना सकते, परलोक की बात तो बड़ी दूर है। वो एक ही जहान बना के नहीं जाती मेरी देवियों मेरे सज्जनों, अधूरी इच्छाएं लेके जाते हैं, अरमान अपने लेके जाते हैं। और यहां भगवान कहते हैं जो ज्ञानवान है आप जैसे, जो मेरे भगवान की वाणी की कदर कर रही है, अर्थात उसके समय की कदर करने का मतलब उसको समय के अपनाना। जरा ध्यान दीजिए, कलयुग ने मत मार दी है, बस जैसे महाराज जी का पावन दिवस इसी 5 तारीख को आ रहा है, वह भूखे मर जाएंगे, 12 बजे व्रत खोल लेंगे, बस इतना ही। भगवान मैं आपको आपकी कसम खा के कहूंगा, नहीं ऐसे खुश होते। भगवान उन पर खुश होते हैं जो उनकी वाणी को अपनाते हैं, जो है मेरी तालीम पर कार पर, उन पर मेरे प्रभु बड़े खुश होते हैं। बस हम व्रत रख लेंगे या जयकारे मार देंगे या पता नहीं और कुछ करें, गलत। अपने जीवन को बदलें, अपने जीवन में एक शानदार रिफॉर्मेशन लाएं, सुधार लाएं, तब समझिए हमने भगवान की वाणी का और भगवान की अवतारी पावन दिवस का पूरा पूरा लाभ उठाया। वे देयर वुड बी मार्वेलस चेंज इन अवर डेली लाइफ। जरा सियाने बनो, आयकर पढ़ लिखे हो आप सारे, ये कोई फायदा नहीं इससे जिस तरह के कमले दुनिया वाले भगवान का पावन दिवस मनाते हैं, गलत। बदलो अपने आप को, हम अपने आप को बदल ले। ये लड़के लड़कियां छोरी छोरियां शादी करवा के अपने आप को बदल लेती हैं, इसलिए जीव आत्मा का पूर्ण पिंड भगवान की बन जाए तो देयर इज मार्वेलस चेंज एंड वेरी गुड चेंज। अच्छा जी, यही आप चेष्टा करें कि जो भी हमारे में कमजोरियां, वो महाराज जी का पावन दिवस आ रहा है, बिल्कुल ही खत्म हो जाए, बिल्कुल ही मिट जाए, हमारा मन पूर्ण पेड़ भगवान की ओर लग जाए। ऐसा ताकत मांगा करके आए मेरे इष्टदेव, मेरे में भी परिवर्तन ला, मेरी भी कमजोरियों को हटा मेरे मालिक, मैं भी अपना कल्याण कर जाऊं, मैंने भी जन्म लिया, मैं भी अपना कल्याण करके जाना चाहता हूं, वरना जीव चक्कर कट कर करके मर मर यही खत्म हो जाता है, इसी गर्दश में खत्म हो जाता है मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याण कामी देवी हो, अब मालिक ने बहुत अच्छा मौका दिया हम अपने में तभी लाने के लिए। भगवान कहते हैं ये ज्ञानवान व्यक्ति आप जैसे, जिन्हें भगवान के बारे में, अपने बारे में, संसार के बारे में भली प्रकार परिचय मिल गया है, और उन्होंने उस परिचय पर पूर्ण रूप विश्वास कर लिया है। काफी लोगों को मेरे दिव्य सज्जनों पता तो लगता है, लेकिन दे डोंट पुट इनटू प्रैक्टिस, इट मीन यूजलेस है। आपके पास 10 लाख रुपया बैंक में पड़ा हुआ, लेकिन आप प्रयोग नहीं करते। देखो ना पजामा जरा पीछे रोशनदान बने पड़ा, फटा पड़ा है, और कमीज देखो कंधे से नीचे ढिलक रही है, पीछे 2 रोशनदान है, तो क्या मतलब, जो जरूरियात जिंदगी है वो भी नहीं पूरी कर रहे आप। एक सवेरे के टाइम आप सब्जी बना लेती हैं और चटनी की तरह थोतरा खा के शाम के लिए बचा लेती हैं, शेम। ये रुपया किसके लिए रखना है, जोड़ जोड़ मर जाएंगे तो माल जवाई खाएंगे। हर बार प्रयोग करो, कुछ दान दो, कुछ पुण्य कमाओ, कुछ शुभ भावनाएं लो। रुपए का मतलब ही होता है गुड यूटिलाइजेशन, गुड यूज एंड हैविंग ब्लेसिंग्स। हाँ, इसी तरह भगवान का ज्ञान मिला जो बड़ा अनमोल है,
इसका मतलब है हमारी बुद्धि में, हमारे मन में, हमारे एवरीडे एक्टिविटीज में काम आ जाए, तभी सियाने बन जाओ। सारों को मैं कह रहा हूं, सब अपनी माताओं को, बच्चियों को, बुजुर्गों को और अपने सारे यंगस्टर्स को, हमारे में एक परिवर्तन आने से पता लगे गली मोहल्ले वाले को कि आप सत्संग में आती हैं, पता लगे आपकी माँ को बाप को कि मेरी बेटी में कितना फर्क पड़ गया, मेरी बेटी में कितना अंतर पड़ गया। यूं नहीं बुद्धि बने रह, बुद्धू बने रहना, देयर शुड बी मार्वलस चेंज। इसमें आपका अपना कल्याण है। भगवान बड़े खुश होती हैं जो अपने अंदर चमका लेते अपनी कमजोरियों को, शॉर्ट कमिंग्स, अच्छा फॉलिंग्स, नदानियां, कमजोरियां जो बेवकूफी से आ गई है, सब निकल जाए, हमारा चेहरा जगमगा उठे, हमेशा ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, पता लगे ये सत्संग में जाते हैं, कैसे गुलाब के फूल की तरह खिले रहते हैं, वृत्ति मालक में जुड़ जाए। बस ये अपने मन में बार बार करके मैं सत्संग में आता हूं और गीता सुनता हूं और मेरे में एक परिवर्तन आ जाना चाहिए, मेरे में तब्दीली आ जाए। जैसे हम देखती हैं चौथी जमात के बच्चे कैसी होती हैं, मिडिल स्कूल में जाने वाले बच्चों को देखो फर्क, जरा हाई स्कूल में और कॉलेज में जाने वाले को देखो, और जो यूनिवर्सिटी में कर रही है पीएचडी या और कुछ, कितना अंतर है उनमें, बड़ा भारी अंतर। हाँ, इस तरह हम लोग ये हाईएस्ट क्लास है, इससे बढ़ के कोई नहीं है। खुद भगवान कह रहे छठे अध्याय में जा डाले बन के रहती हैं, जैसे कि धर्मशाला में रात्रि को आता है यात्री, अपनी रात को भोजन भी करता है, टिकता भी है, सारे काम करता है अपने धर्मशाला में यानी सराय में, और सवेरे बिस्तरा गोल करके चल देता है, फायदा उठाया चल दिया। इस तरह आप में से ज्ञानवान अपने अंतकरण को डेवलप करके भगवान के योग्य बनकर चल देती हैं, कहीं दिल नहीं लगाते, कहीं राग नहीं है, द्वेष नहीं है, समझो समझो मेरी देवी, अपना फर्ज पूरे किए माँ जी, माँ के बाप बहन भाई के प्रति, अपने श्रीमान जी के प्रति, श्रीमती के प्रति, जो भी हमारी लाइबिलिटीज है दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एंड फुलफिल्ड। हाँ, लेकिन अब दूसरा पैर लेते हैं भगवान जी, जो बिल्कुल जिनके पास ज्ञान चक्षु नहीं है, अर्थात जो नलायक और मूर्ख है, जो रजोगुणी और तमोगुणी है, मेरे भगवान जी कैसे मीठा ताना मारते हुए फरमा रहे गए, आपको तो पता लग जाता है, लेकिन नहीं इसको गुमराह पहचानते, जो अज्ञानी जीव है, जो बुरी राह पे जा रहे गए, वो नहीं जानेंगे, उसी उनके लिए भगवान कहती है ये राह उससे मत गए। चाहे माँ जी भी है, पिताजी है, बहन है, भाई है, चाहे हमारा कितना खूनी रिश्ता, नजदीकी रिश्ता क्यों ना हो, ये भगवान की डिवाइन टॉक शुड नॉट बी डिस्कस्ड विद ऑल दोज हु आर ऑल इग्नोरेंट। इग्नोरेंट, हाँ बिल्कुल ही नास्तिक है, उनके साथ की बात नहीं करनी, वो क्या कह रहे हैं, नहीं इसको गुमराह पहचानते हैं, अहले बसीरत फकत जानते, जिनको मेरे भगवान ने ज्ञान चक्षु दे दिए वो ही जानते हैं, रजोगुण इनको नहीं जानेगा, इसलिए गीता कृष्ण होती है, वो जाहिल है और अक्ल में खामकार, न दूधा में डाले उन्हें आप जैसी होशियार। वैसे तीन आंखें होती हैं, तीन आंखें एक माँ बाप ने दी, जो ये चमड़े वाली आंखें, ये चमड़ा, इसमें जो आंखें लगी पड़ी से बोलती हैं चर्म चक्षु, बेटे बेटे चर्म चक्षु, ये है चर्म चक्षु, ये चरम लिखोगे चा माँ के ऊपर रा, और चार रा मां वो क्या होता है, चरम चरम सीमा चोटी की क्लाइमेक्स, तो ये जो ये चमड़े में आंखें चरम चक्षु चा और मां के ऊपर, मैं क्लियर कर रहा हूं हर बात को, आपको गलती है, वो होते चरम सीमा चोटी की सीमा, जिसके परे और कुछ नहीं, चार रा पूरा उसमें, इसमें रा मां पे चला जाएगा, ये चरम, ये चरम मैंने चमड़ा, ये माँ बाप ने हमें दे दी मुफ्तो मुफ्ती, माँ बाप की बड़ी मेहरबानी, एक जो है अंदर दूसरी आंख ज्ञान चक्षु जो आपको मेरी गीता जी से मिल रही है, ये भी जैसे ये बड़ी जरूरी है, इससे भी कहीं ज्यादा ज्ञान चक्षु जरूरी है, जिससे हमें पता लग जाए इंसान के नाते से मेरे लिए उचित क्या है अनुचित क्या, बड़ा जरूरी है ज्ञान चक्षु का। अंग्रेजी बोले गया इंट्यूशन आई,
इंट्यूशन आई, बड़ी जरूरी है, बड़ी जरूरी है। आज धर्म भूमि भारत में भी मेरे भारतवासी धक्के खा रहे, चूंकि ज्ञान चक्षु नहीं है। ये महाराज जी कृपा सत्संग से या भगवान जी से या गुरुदेव की कृपा से हमें ज्ञान चक्षु मिल जाते हैं। अब जैसे ये आंखें रखने से पता है, माँ जी को हम ढूंढ लेंगे, बहन को ढूंढ लेंगे, पिताजी को ढूंढ लेंगे, भैया को ढूंढ लेंगे और बाहर निकल जाए तो अपना रास्ता निकाल लेंगे। ये आंखें ये बाहर के लिए बड़ी यूजफुल है, लेकिन आगे परलोक बनाने के लिए ज्ञान चक्षु अनिवार्य है। जिसने अपना परमार्थ बनाना है सजनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, इसलिए भगवान कहते जिन जिनके पास ज्ञान चक्षु है एले बसीरत फकत, केवल वही जानते हैं जैसे आपको पता लग रहा है। ये बातें दूसरे नहीं जान सकेंगे। अब तीसरी आंख जब भगवान ने दीदार देना होता है उसे बोलते हैं दिव्य चक्षु। ए दिव्य, ए मां दी दिव्य। एक मेरी नन्नी सी बेटी बैठी, उसका नाम भी दिव्य है। तो दिव्य चक्षु जब महाराज जी ने दीदार देना हो तो वो होती है आखिरी आंख चरम चक्षु, दूसरी मैंने बोला ज्ञान चक्षु, और तीसरी भगवान देती हैं दिव्य चक्षु। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो बातें ज्ञान की हैं ये केवल ज्ञान चक्षु वाले जान सकते हैं, दूसरे नहीं। इसलिए तो रोकते हैं भगवान जी मेरे जैसे आपको सबको कि ये भगवान की बातें ये चर्चा नहीं चलानी चाहिए, जबकि आपके परम प्रिय सखी हो, परम प्रिय कोई आपका फर्स्ट फ्रेंड हो। दिस शुड नॉट बी डिस्कस्ड बिटवीन टू फ्रेंड्स इफ दे आर अपोजिट, नॉट अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड ऑफ माइंड, नॉट अकॉर्डिंग टू द डिसीजन। चर्चा मत चलाओ, भगवान नाराज होते हैं, ना वो इसके योग्य ही नहीं, नमरी बेटी वो नहीं योग्य। अब तेरी शादी होने जा रही है, अगर श्रीमान जी योग्य नहीं तो ये चर्चा नहीं चलानी। उनको भगवान के साथ आमतौर पर प्यार नहीं होता, इसलिए ये चर्चा चला के फिर भगवान नाराज होते हैं। अंधे आगे रोना तो अपने नैन खोना, ना बगलों को कहने के तो मोती चुगो। और बड़ा चमा पुरुष कह गए, बगलों को कहना मोती, बगले जब भी चोच मारेंगे वो किसी मछली पे मारेंगे, ये तो हंसों के मुकद्दर में गए मोती चुगना। हंस ही मोती चुगती है, जिनके पूर्व के शुभ संस्कार और अब संस्कार बढ़ गए हैं उनको मेरे भगवान ज्ञान चक्षु प्रदान करते हैं। जैसे चारों ओर से अंबाला कैंटर सिटी से हर कोने से चुन चुन के जीव आ रही है, चुन चुन के वो मेरे भगवान ज्ञान दे रही हैं और साथ ही ज्ञान चक्षु खुलते जा रहे हैं और पता लगता जा रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना और कैसे अपना प्रलोक बना लेना है। ये मेरे भगवान जी आपको शास्त्र बता रही है। आहा नहीं इसको गुमराह पहचानते है एले बसीरत फकत जान। ये जो बातें आपसे सुनाई जा रही हैं ये वो रजोगुणी तमोगुणी नहीं जानेंगे, उनको समझ ही नहीं। अगर आप गलती से आपके मुंह लग के वो आ भी गए तो यहाँ पेशाब के बहाने निकल जाएंगे, फिर नहीं आएंगे। हम कहेंगे मैं ढूंढता रहा, मैं तो आ गया था, मेरे पेट में झूठ मूठ कह रहे मेरे पेट में दर्द हो गई थी तो मैं आ गया, फिर मैं घर आ गया। दिल ही नहीं, मन ही नहीं करेगा इन बातों में, ये भी कोई बातें होती है, ये क्या बातें हो रही है। इसलिए ये बातें उनसे नहीं, आप सुने बिना रह नहीं सकते और वो यहां पर बैठ नहीं सकते। कितना अंतर है, कितना भारी अंतर है। आप एक दिन ना आए तो आपका मन बेताब हो जाता है और वो 15 मिनट भी चार चार बार घड़ियां देखती हैं, ये कब बंद होंगे, ये कब बकवास बंद, वो इसको बकवास कहते हैं, ये अपनी बकवास कब बंद करेंगे, हर बार मैं किस तरह अंदर आ गया है शबा। उनके लिए टाइम बड़ा भारी होता है, किनके लिए, जिनमें स्वतः गुण ना जागा हुआ हो, जिनके पास ज्ञान चक्षु ना हो। ये मेरे गुसाई जी ने कहा है, तुलसी पूरा पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, पिछले जन्मों के पापों और गंजे संस्कारों के कारण से भगवान की अत्यंत मीठी वाणी भी उनको अच्छी नहीं लगती, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए, जैसे बुखार खूब चढ़ा हुआ हो तो भूख मारी जाती है, भूख नहीं लगती। कोई मीठी चीज भी हमें खाने को दी जाए तो वो भी कड़वी लगेगी, क्योंकि हमारा जो जायका है खराब हो चुका है। टेस्ट इज नॉट नॉर्मल बट इट बिकम्स एबनॉर्मल। जब खूब बुखार चढ़ा हुआ तो उनको तो रजोगुण का बुखार चढ़ा हुआ है, इसलिए भगवान के अमृत को लज्जाने वाली
वाणी भी उनको अच्छी नहीं लगी। तो भगवान कितने प्यारे शब्द कह रही है, क्या 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 नहीं इसको गुमराह पहचानते, जो राह छोड़ चुके हैं, गुम मैंने गुम हो गए, राह मैंने राह, जो भगवान की राह को छोड़ चुके हैं अर्थात रजोगुणी जीव, वो नहीं जानते इन बातों को, नहीं जानेंगे बच्चे। शैतान क्या जाने अमृत का स्वाद, अमृत का स्वाद पूछते हैं तो देवताओं से पूछो। आहा 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 आ गए सावन के अंधे को सारे हरे रे दिखाई देंगे ना, वो अपनी वासनाओं के अंधे हैं। आहा तो वो इन बातों में नहीं लगती। इसलिए आप में कई गलतियां करते होंगे जो ये चर्चा हर चला बैठते होंगे, भगवान रोक रही है। जब भी दिल करे तो ये शब्द याद करना, क्यों मेरे भगवान ने क्या कहा, नहीं इसको गुमराह पहचाने अहले बसीरत फकत जान, वो ही जानेंगे जिनके पास ज्ञान चक्षु है, वो ही कदर करेंगे। साधारण जीव, सामान्य जीव ये ले एन कॉमन मैन इसकी कदर नहीं कर सकता। कल युग में तो दिन ब दिन आप जैसे नेक जीव कम होते जा रहे, डिक्रीजिंग 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 डे बाय डे, और नारियों में तो खास करके, आपका मैंने कितनी बार कहा, तन भी आपका नरम तो मन भी नरम, आप बड़ी जल्दी बार मुखी हो जाती है, बहुत जल्दी। ये आपके भाग अच्छी कि मेरी मालिक ने कृपा करके आपको अपनी वाणी सुनानी दी और आपको उसमें रस रस आने लग गया, अपनाने का शौक पैदा हो गया। ये तो बार बार दिन में दो तीन बार ये सवेरे नहाने के बाद कहा करो, प्रभु आपकी फुल कृपा, मेरे इष्टदेव भगवान कृष्ण आपकी फुल कृपा मेरे पास, बड़ी कृपा कर डाली जो आप इतनी चोटी की वाणी सुना रहे थे और मुझे अपनाने का आपने दिव्य शौक पैदा कर दिया, ये आपकी बड़ी कृपा मेरे प्रभु। हाय मेरे मालिक, नहीं इसको जो आपको मिल रहा है हर सुबह और शाम, उनके लिए भगवान कहते वो देखो कम बख्त, वो देखो एज इ लक वुड हैव लक इ लकी सोल, नहीं इसको गुमराह पहचानते है अहले बसीरत फकत जान रजोगुनी, इसको नहीं जानेंगे ज्ञान चक्षु वाले, इसे जान के कदर करें हाय और इसे अपनाएंगे। वो क्या, वो क्या 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 क्या, वो बन जाते हैं मानव से, वो देव पुरुष बन जाते हैं, बिल्कुल देव देवता के समान हो जाते हैं और अपना कल्याण कर लेते हैं जैसे आपकी, भगवान करे बाकी भी कमी आप पूरी कर। 15वां अध्याय कह रही है, 15वां अध्याय में यही है, पुरुषोत्तम है ना, जो भगवान को उत्तम जाने, नहीं रजोगुणी भगवान को उत्तम नहीं जानेगा। रजोगुणी तो वही उत्तम जानता जो कहते जिसकी मुझे जरूरत है वह वही उत्तम है, कामना उठती भी उसकी है जिसकी हम कहते हैं ये बड़ी जरूरी है, ये बड़ी अच्छी चीज है, उसकी कामना उठती। अगर वह भगवान को उत्तम मानते कभी संसार की कामना ना उठती। ओ मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवी, यदि भगवान को उत्तम कहते कभी जहान की कामना ना करते, पर वो इतने कम वक्त है कि जहान की कामना से चोटे खा करके भी फिर जहान की कामना करते हैं। अखी वेख जहर नू खांदा, ये संसार वेख्या खा खा के पछो तांदा, बाज ना आंदा फिर भी खांदा, ये संसार वेख, संसार तो ये है, धक्के भी खा रहा है, जलील भी हो रहा है, इवन देन दे आर ऑल इंक्लाइंड टुवर्ड्स वर्ल्डलीनेस, ऑल हाय हाय महाराज जी की ओर झुकना, ये तो हजूर कहते हजारों लाखों में होगा कोई खाल खा, वो जिसको फिक्र असूल कमाल। कबीर जी के शब्द देखो कितना था दोहे में प्रकट कर गए, वो देखिए पानी भरन पैनारियां रंगा रंग गड़े, पंगट के ऊपर पैनारियां पनहारियां पानी भर रही है और रंगा रंग छोटे बड़े घड़े हैं और भर भर के जा रही है, तीन तीन घर सिर पे रखे हुए हैं, एक बगल में दबा रखा है और मटे मटे घाघरा अपनी मटकाती मटकोती हुई और गप्पे मारती हुई दूसरे के साथ जा रही है। हाँ लेकिन कबीर जी का ताना देखो, अरे पानी भरन पैनारियां रंगा रंग घड़े पर भरे अवस्था जानी है जिसका तोड़ चले, ये घर में घड़वंजी के ऊपर सारे घड़े रख देना तब तो है, नहीं तो रास्ते में जरा तवाजन खराब हो जाएगा, या आगे घर की दलीज इतनी ऊंची थोड़ी है, जरा नीचे सैर करेंगे ऊपर लग घड़ा गिर जाएगा, मजा तो तब है जितने घरे बड़े उतने घड़वंजी पे ले जाए, यानी मटका स्टैंड के ऊपर हम रख दें तब तो बड़ी मजे की बात।
इस तरह मजा तो तब जब आप वाणी सुन रहे हैं, यही वाणी आपको भगवान तक पहुंचा दे। वो तो मटका स्टैंड होती है और भगवान क्या कहलाती है, माइंड स्टैंड या इंटेलेक्ट स्टैंड, बुद्धि स्टैंड। भगवान वो कहा जाता है बुद्धि स्टैंड या माइंड स्टैंड, मन उन्हीं के पास जाके आराम करता है, बुद्धि उन्हीं में लीन हो जाती है। शाबाश, ये याद रखना, सब चीजें जाने वाली हैं, सब। कितना अच्छा महापुरुष किया गया, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने वाला अभी अभी। यू एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी, तो फिर इनको कैसे उत्तम कहें। ये बात बिठा लो ना, किसी की ना कुछ बात बाकी रही, फकत एक वही साफ हमारा मन भगवान क्यों लगा रहे। लेकिन भगवान कहते ये आप जानोगे जिनमें सतगुण बड़ा हुआ है, नहीं इसको गुमराह एले बसीरत फकत जा। जिनके पास ज्ञान चक्षु है वो ही जानेंगे, दूसरे ना मेरे बच्चों हो मेरी देवी हो वो नहीं जान सकते। नहीं नहीं मेरी भगवती, जिनके पास ज्ञान चक्षु नहीं है नहीं जानते, भले वो बकवास कर ले, वो हमें पता है मैं रब के बारे में मुझसे बात करवा लाए हुए, वो मेरे जीवन तो पढ़ लिखा उन्होंने अपनाया नहीं और ना ही अनुभव किया है, बातें तो बनाती हैं लेकिन आखिर में हार जाएंगे। कभी न कभी उनको हमारे साथ क्या सामना करना पड़ जाता है, भगवान खुद ले आते हैं, चुप हो जाते हैं। वो क्या जानेंगे बेचारे ज्ञान के बारे में, थू थू तो पता है उनको, ये बातें बहुत बनाएंगे। जैसे आपको पता है थोथा चना बाजे गहना, जो सालन चना होता है वो तो बैठता नहीं, थोथे चने खड़क खड़क करते हैं, जिनके पास पूरा ज्ञान नहीं होता वही खड़क खड़क करेंगे, बोलते रहेंगे। एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, जो घड़ा होता है जो पूरा नहीं भरा होता, गुड़ इसी गुड़ के कारण से तो हाय हमारी शरवण जी मारे गए, शरवण मारिया इसी गुड़ इसी गुड़ की आवाज से मारा गया बेचारा। हालांकि वो मां बाप के लिए लोटा पानी का भर रहा था। इसी तरह मेरी सरकार भरे पूरे चुपचाप रहती है। वह पुरुष कह गए कच्ची पूरी हो तो शू शू करती रहती है, पक्की पूरी से कोई आवाज नहीं आती, तभी तो पता लगता है पूरी से बाहर निकालो, लोहे का पोरा बना होता है, बाहर निकालो, चूंकि पूरी की शूशा बंद, इसके वजह से जो पानी का अंश था खत्म हो गया, पूरी पक गई है, सड़ जाएगी अगर आप रहेगी अंदर। कच्ची पूरी शूशा, पक्की पूरी न शू न शा। इधर कच्चे आदमी बकबक करते रहते हैं, पक्का आदमी सुम बकुम दफ्तर गुम, अपने आप में मस्त अलमस्त, ये बकवास करते रहती हैं। किसी की पत्नी को बड़ा शौक था, पेंडू थी ग्रामीण, मेले देखने का, तो जब भी कोई सुनती ना पार्वती मेले पे जा रही है, फलानी किताबों जो है ना वो मेले पे जा रही है, हा उसका जो पति हाली वो भी मेले पे जा रहे थे, ये भी अपने पति को तंग करती। ये जरा गरीब था इसका पति, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा चलाता था, ये भी कहते देखो ना पारो तो जा रही है, किताबों भी जा रही, मनु क्यों नहीं ले जावे ते मनु भी ले जाना। अखी ने पति बड़ा तंग आ गया, दो दिन से मेरे पीछे लगी हुई है, क्या करी क्या मैं करूं मेले पर, वो तो अमीर आदमी है, उनके तेजेबी भरी हुई है, तू मुझे बार बार मनु भी तो ले चल, और तेन कहा ले जावा, क्या ये बेटने ढेला ते कर दी मेला 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 कहा ले जाऊ, ना तेरे पल्ले धेला तो ना मेरे पल्ले धेला, जेब नहीं धेला ते कर दी मेला मेला, और अंदर तो उनकी ज्ञान चक्षु नहीं खुले हुए, ते कर दी ज्ञान की बातें ते भगवान की बातें, वाह युवा तिला ते युवा तिला, जेब नहीं धेला ते कर दी मेला मेला, ज्ञान पल्ले नहीं नॉट रियलाइज सोल, तो बात ही मनाते जाएंगे, बच के रहना ये कल जुगे मेरे बच्चे। है कितनी अच्छी कहावत है, जेब नहीं धेला ते कर दी मेला मेला, वृत्ति जो टिकाई हुई नहीं रब दे अंदर, और तो बातें देखो ना कितनी कच्ची पक्की करते रहती है, नहीं इसको गुमराह पहचानते है एले बसीरत फकत जा।
असल बातों को तो वही जाने जो जो असल में तरीन हो चुका है। और इस जहान में असल मिलना बड़ा मुश्किल है, परमात्मा कसम असल आदमी का मिलना बड़ा मुश्किल। बच्चे असल आदमी कौन जो एनिमल मैन से उठ के बन गया है मैन मैन, और मैन मैन से निकल के सुपर मैन बन गया। नर पशु से वह भद्र पुरुष बना और भद्र पुरुष से वह देव पुरुष बन गया। उसको मेरे कृष्ण क्या दे रही है, उसका संकेत कर रही है कि ये देव पुरुष जान सकेंगे मुझे। ये जो एनिमल मैन है, शक्ल तो इंसानों वाली है लेकिन उनके इरादे और कर्म उनके हवानों वाले नहीं। इसको गुमराह पहचानते है एले बसीरत फकत जान। मुसाफर जो आया जो आकर गया, जो दिल इन गुनों से वही नहीं से दिल लगा के चल दे। करोड़ों व्यक्ति इन्हीं नाम रूपों में राग द्वेष करके, जिसको रब ने मस्तक पे हाथ मारा था कर्म योग के अंदर, क्या इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है। यू सुभाष देख लो अपने अड़ोस पड़ोस वालों, सवेरे शाम तक इसी राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें, ये इसी में खाने पीने वाली बातें, सिनेमा की बातें, टीवियों की बातें, या और नहीं तो चुटकुला ही सुनाते रहेंगे। हाय मेरे रब्बा, और कोई बात है चुटकुला ही सुन लो, और तो खुशी आती कोई नहीं। ले मैं तो सुनाए तू सुनाएंगी, चल तू भी चल सुना ले, तो मैं तेरे दूसरा तू और सुनाएंगे, मुझे तो कोई पता नहीं। बस चुटकुले से ही जरा अपने हंस खेल लेंगे, इर्द गिर्द की बातें कर ले, उन्हें क्या पता, वो इन्हीं बातों में रह जाएंगे। परमात्मा करे ये जन्म आपका सफल हो जाए। जितनी भगवान की समझने में आप दिलचस्पी ले रही हैं, भगवान पर इससे कहीं ज्यादा अपनाने में आप रुचि दिखाए, मेरे मालिक को अपनाने में आप अपने अंदर का मन दिखाए। बेड़ा पार तर जाओ मेरे नेक जीवो, तर जाओ मेरी अच्छी और नेक बेटी हो, तर जाओ। बड़ा अच्छा मौका भगवान ने दिया है, जरूर तर जाओ। आपको ज्ञान मिल रहा है, और चोटी का ज्ञान किसी व्यक्ति का ज्ञान नहीं, सृष्टि बनाने वाले अवतारी दाता का ज्ञान, किसी और शास्त्र का नहीं, मां शास्त्र गीता का ज्ञान आपको मिल रहा, जिसके लिए मैं कहता कहता थकता ही नहीं। गीता लाती इनकलाब, हर श्लोक लाजवाब, गीता मारी सदा नवीन, एवर फ्रेश एवर। 5,500 वर्ष गुजर गए, गीता की तरह ताजगी में कोई अंतर नहीं आया। गीता के इसमें बाहर में कोई फर्क नहीं पड़ा। गीता हमारी सदा नवीन, एवर फ्रेश एवर ग्रीन, और ये हमें फ्रेश बनाई जा रही है, हमें प्रसन्न की जा रही है। पर शर्त ये मेरी देवियों, मेरे सजनों और मेरे धार्मिक भाइयों, अपनाने वाले हम बन जाए, मन में ये लगन हो कि मैंने भगवान की वाणी के कदर का मतलब अपनाना, भगवान जी इस देव की कदर करना अर्थात तो उनके उपदेश को अपनाना। ये मेरे गुरुदेव ने मुझे बड़ा खूब समझाया, रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे, अगर किसी का आदर करना है तो उसका मतलब उसका कहना मानो। हाय समझो, समझ मेरी पढ़ी लिखी बेटी, रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे, आदर करने का मतलब आज्ञा मान, आज्ञा पालन करना। ये तो हमें पता ही नहीं था, अगर किसी के रिस्पेक्ट करने है तो हमें उसके आज्ञाकारी बनना चाहिए। हम जरूर भगवान के आज्ञाकारी बनेंगे, जैसे वो उपदेश गीता के माध्यम से दे रही है, हम इसे जीवन का अंग बना लेंगे, हम इसे जीवन में ढाल लेंगे। बेड़ा पार, बहुत बेड़ा पार मेरी देवियों, बहुत बेड़ा पार। क्या कमाल, अब ये ऐसा कह के कहना क्या चाहती है, पर जब ये समझ आ गई भगवान की तरफ झुक जाएंगे, क्या करेंगे इनकी तरफ मन लगा करके, क्या मिलेगा इधर संसार की ओर झुक करके। या तो हमारी तसल्ली हो जाए, तसल्ली होनी कोई नहीं, तो किसी भी ना पहनने में तसल्ली, ना खाने में तसल्ली, ना श्रीमान श्रीमती के प्यार में तसल्ली, ना कोई इज्जत मान बढ़ियाई रुतबे में तसल्ली, ना कोई नौकरी करने में तसल्ली, इन बातों में हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, फिर भी हमारा मन अधूरा रह जाता है। तो फिर दाना आदमी क्यों ना दिन रात भक्ति करेगा, जिसमें जीव को सेटिस्फेक्शन हो जाती, जिससे जीव बिल्कुल तृप्त हो जाता है, अपने आप में कोई मन भगवान जी दिव्य शक्ति भी प्रदान कर देती है, हाँ, और मन अपने आप में आ जाता है।
बिल्कुल शांत आनंदित, बिल्कुल अपने आप में। यह खुशी, यह प्रसन्नता हर समय बढ़ती रहती है और मन प्रसन्न रहता है। मेरी शुभ भावनाएं आपके साथ है, आप पुरुषार्थ करो, मेरे मालिक आपको ताकत देंगे। ये जो हमारे देश में धार्मिक कहावत चलती है, ये अब आपके काम आएगी। परमात्मा उन्हीं की सहायता करती है जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती है। जो आपने घोटे लगाए थे प्रावर्ब के, अब काम आएगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा उन्हीं की सहायता करती है जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती है। परमात्मा उनका पुरुषार्थी का ही क्या करते हैं, परमात्मा पुरुषार्थी का पक्ष लेती है। कभी ना भूलना, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेती है, और आलसी का पक्ष शैतान लेती। शाबाश, ये आपको पता है। वाह, आलसी का पक्ष शैतान और पुरुषार्थी का पक्ष भगवान। शाबाश मेरी बेची, शाबाश। अगर मुझे आप आज्ञा दो तो मैं आलसियों को खड़ा भी कर सकता हूं, फिर भी सत्संग में आती है, लेकिन जरा आलसी है। इधर मैं नजर मारूं तो आपकी आंखें न बाबा न खड़क, नहीं खड़ा नहीं कर रहा, मैं से बात कर रहा हूं। थोड़े से मेरे भाई भी आलसी है, बुजुर्ग भी नजर लेकर नहीं, इसलिए बात बनेगी नहीं। करना तो पुरुषार्थ पहले था, लेकिन पहले आयु गुजर गई है, तो अब जो आयु रह गई जरा जुट जाए, लग जाए। भगवान आपको शक्ति देंगे, दे भी रहे आगे भी देंगे। आहा, यही तो मैं शुरू में कह रहा था, गिर गिरा के कहा करो, ओ श्याम सुंदर मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया गए आगे भी, अब तक तो साथ दिया मेरे मालिक, आगे भी अपने दिव्य शक्ति देकर मुझे परले पार कर देना। कभी कभी रो भी पड़ा करो कि प्रभु अभी तुम्हें बीच में हूं ना, अभी अभी तुम्हें सत्संग में आई थी, अभी अभी तुम्हें प्रसाद कर रहा था मेरे मालिक, मेरे मालिक मुझे और शक्ति देना, क्योंकि अभी तो नाव समुद्र में क्या जाने क्या हो, अभी तो मैं अपनी साधना की नाव चला ही रही थी। मेरे मालिक जी ओए, मुझे और शक्ति देना कि मैं अपनी जीवात्मा को आप में तलीन कर दू, मैं अपने आप को आप में मिला डालू। जरूर मेरे मालिक आपकी सच्ची जिज्ञासा और सच्ची लगन को देखकर शक्ति दे देंगे, और मेरा कहना व्यर्थ नहीं जाएगा, आप अपना कल्याण कर जाएंगे, मेरी देवी अपना जन्म सफल कर जाएगी। मेरे शब्दों को याद रखना कि परमात्मा आपका कल्याण करें, अर्थात आप अपने जन्म को सफल कर जाए। ये क्या बार बार मरो, बार बार गर्भ में जाओ, बार बार ही बनो शी बनो, कुछ नहीं, ना ही बनेंगे ना शी बनेंगे। दाता हम तो तेरी जात में एक मेक हो जाएंगे, हमेशा के लिए मिल जाएंगे। बस ये है हिंदू धर्म की चरम सीमा, जो कहती बस एक मेक। यही हमारे महापुरुषों में पाठ पढ़ा गए हैं, मुझ में समाज आज स्त्री परमात्मा महाराज जी के पावन चित्र को लेकर ये रोया करते थे हमारे महापुरुष, और यूं उच्चारण किया करते थे, मालिक मुझ में समाज आ इस तरह, तन प्राण का जो तौर है जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू और न, तो ये भेद मिटा दे, मैं एक मेक हो जाऊं। ऐसा कहा कर मेरी बच्चे, कहा करो मेरे सजनों, बेड़ा पार। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरे बेटियों, मेरे सज्जनों। अब अपने शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो ईश्वर भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफर करना इस देव हार्दिक धन्यवाद।